बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारी और एक बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो अराजपत्रित होगा, एक एक पद जो 27 विभाग में रहेंगे उनके पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है ताकि सूचनाओं जो योजनाएं हैं उनके सूत्रण और उनके कार्यान्वयन इत्यादि की जो सूचना होती है उस पर कार्य करने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट में सहायक निदेशक का एक पद और योजना सहायक का एक पद सृजित किया गया है ताकि इन विभागों में योजना विकास विभाग के पदाधिकारी रहेंगे तो इन कार्यों को सुगमता पूर्वक किया जा सके। शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था, आप इस बात से वाकिफ हैं कि अब तक जो इंटरमीडिएट पास जो हमारी बच्चियां करती थी और अविवाहित थी तो उन्हें 10,000 रुपये दी जाती थी और स्नातक पास करने पर विवाहित हों या अविवाहित हों 25,000 रुपये दी जाती है। तो 7 निश्चय के तहत इसमें इजाफा किया गया है और अब इंटरमीडिएट पास करने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और विवाहित हों या अविवाहित हों जो छात्राएं स्नातक या समकक्ष जो कोर्सेस करती हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। सर, इस बार जो इंटरमीडिएट लड़कियां सर ये उनको मिलेगा ये मिलेगा आपको 1 अप्रैल 2021 के पश्चात जो भी पास होगा तो जब रिजल्ट निकलेगा तो हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में जो उनके द्वारा पार्क्स बनाए गए हैं अब वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसमें है कि प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपये दी जाती है मैट्रिक में, जो मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त करेंगे उनको 10,000 रुपये दी जाएगी और इंटरमीडिएट में जो प्रथम श्रेणी से पास करेंगे उनको 15,000 रुपये। सर, पेपर सामने यदि और कोई प्रश्न नहीं हो तो 17 नंबर में सर सिपाही वाला जो संशोधन किया गया है क्या सर? उसमें और भी पोस्ट है उनके सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है और लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो उनके बिहार जल विकास निगम लिमिटेड में जो नियमित स्थापना कार्यभारी स्थापना और दैनिक वेतन भोगी जिनको अब्सॉर्ब कर लिया गया, तो जब अब्सॉर्ब कर लिया गया तो उस पर माननीय न्यायाधीश के आलोक में उनकी जो भी निगम में उनकी जो सेवा थी उस सेवावधि को ACP देने के लिए उसकी गणना की जाएगी। इस बिंदु पर लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 ऐसे चिकित्सक हैं जो एक लंबी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, उन पर विधिक प्रक्रिया अनुसार विभागीय कार्रवाई चला करके उन्हें आज सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। ये कर्मी हैं डॉक्टर श्रीमती ज्योति सुल्तानिया, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया बेगूसराय,